Then I welcome you all to my channel. So today we will discuss your notice for the CREC 2021. So notice आ चुका है University of Allahabad का CREC 2021 का. आपका PhD के लिए ये होता है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, कम्बाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट CREC 2021. उसकी इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन दी हुई है. मैं आपको पहले बता दूँ, आप इस ईमेल पे जाके जो भी आपको प्रॉब्लम है, इशू है, आप पूछ सकते हैं. और हेल्प डेस्क का नंबर भी दे रखा है. और यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि CREC विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड ओनली एट प्रयागराज. तो इलाहाबाद में ही सिर्फ आपका ये प्रयागराज में ही CREC कंडक्ट करवाया जाएगा 2021 का. और यहाँ पे है एवरी कैंडिडेट कैन व्यू हिज हर आंसर शीट. अगर आपको अपनी आंसर शीट देखनी है तो विद इन वन मंथ आप देख सकते हैं. और आपको 100 रुपये का पेमेंट भी करना पड़ेगा एट प्रवेश भवन. तो इलाहाबाद में या प्रयागराज में जो प्रवेश भवन है वहाँ पे जाके आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे. तो यहाँ पे फ़ी बता रखी है प्रेस्क्राइब फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट फॉर CREC 2021. सो अनरिजर्व OBC और EWS को 1600 रुपये देने होंगे और SC ST और PH को 800 रुपीज़ आपके देने पड़ेंगे. और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके CREC एग्जामिनेशन में. तो जो रजिस्ट्रेशन का आपका है और फॉर्म सबमिशन का ऑनलाइन का डेट है 24 अप्रैल 2022. मतलब कि कल से आप रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे. लास्ट डेट है आपका रजिस्ट्रेशन का, फी डिपोजिशन का है 16/5/2022. और डाउनलोडिंग आपका एडमिट कार्ड होगा सिर्फ 21/5/2022 को. उसके बाद और अदर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट आपको जल्द ही बताया जाएगा, विल बी अनाउंस आपका लेटर ऑन. फिर यहाँ पे अगर आप चाहें तो नीचे इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं. एक ध्यान देने वाली बात है, जो GRF कैंडिडेट हैं उनको भी अपेयर होना पड़ेगा CREC Level 1 टेस्ट के लिए एज वेल एज Level 2 टेस्ट के लिए भी आपका. तो आपका यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो ऐसे पढ़ सकते हैं. तो देखिए यहाँ पे जो Level 1 है उसका डिटेल दे रखा है. 100 मार्क्स का Paper 1 होगा, Paper 2 आपका 200 मार्क्स का होगा. ये जो Paper 1 है आपका, यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा. Paper 1 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, Paper 2 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Paper 1 में आपको 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा. और फिर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन आएगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आपका क्वेश्चन आएगा. और वहीं Paper 2 आपका सब्जेक्टिव है, तो लॉन्ग, स्मॉल, मीडियम और लॉन्ग टाइप आंसर आपको पूरा जैसे आप लिखते थे पहले आपने यूनिवर्सिटी लेवल में, वैसे ही पूरा थ्योरी में आपको लिखना है. सब्जेक्टिव है और आपको इसके लिए 120 मिनट्स मिलेंगे. तो दोनों को आप देख लीजिए. Paper 1 के लिए आपको 30 मिनट मिलेगा, Paper 2 के लिए आपको 120 मिनट्स मिलेंगे. इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे. इसमें आपका Paper 1 में होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वहीं Paper 2 आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा. Paper 1 है 100 नंबर का, Paper 2 है 200 नंबर का. फिर है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है आपका Paper 2 का, वहाँ पे बताया है 3 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्टिव. और जो Question 1 है नंबर उसके उसके पार्ट्स होंगे 10 टोटल पार्ट्स होंगे, और 2 के 2 पार्ट्स होंगे. और 3 में आपको 1 और 2 में से ऑप्शन रहेगा. तो मार्क्स भी बता रखा है यहाँ पे, तो कि कैसे 120 आपके मार्क्स होंगे. Level 2 आपका होगा इंटरव्यू, जिसमें आपका होगा प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन और अदर मोड ऑफ अप्रेजल भी शैल ऑल्सो बी डिटरमाइंड बाई द डॉक्टरल प्रोग्राम कमेटी ऑफ द डिपार्टमेंट. तो वो आपको डिपार्टमेंट में पता चल जाएगा कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, ग्रुप डिस्कशन देना है, या किसी और थ्रू से आपको बताना है. और आप इन्फॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा. तो जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में या कह सकते हैं और उसके रिलेटेड और भी कॉलेजेस में, तो अप्लाई कर सकते हैं. कल से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे. होप यू लाइक द वीडियो.